लेकिन एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले निफ्टी पर एक व्यू ले लेते हैं और फिर आगे स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्शन आपको बताएंगे। समीत गुड मॉर्निंग, पहले तो निफ्टी पर ही बताइए, तो शुरुआत के बाद थोड़ी रिकवरी दिखी है, एक रेंज जरूर है, लेकिन अभी क्लाइंट्स को क्या स्ट्रैटेजी आपने सजेस्ट की है, उछाल पर बेचने की या फिर डिप्स पर बाय करना? निखिल दीपल, एक 100-150 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए हो गई और ये रेंज काफी श्रिंक हो गई है। अभी इसमें ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट है, बट ये बता कि आप इंडेक्स में एग्रेसिवली ट्रेड मत कीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, आपको उसको ज्यादा फोकस करना है। तो हमारी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अभी भी कंटिन्यू रहेगी, बट अगर इंडेक्स में स्ट्रेटेजी अगर बात करें तो ओवरऑल हम देखें तो एक रेंज बाउंड एक्शन है और अभी 10,510 का रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके लॉन्ग्स है इंडेक्स स्पेसिफिक तो आप हल्के कर सकते हो, और अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हो तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से शॉर्ट भी कर सकते हो। बट हमारे मानना है कि एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर आपको आज का लो अगर ब्रेक होता है 10,460 तो आप सेल जा सकते हो, फिर 10,400-10,380 के लेवल्स मिल सकते हैं। ये मानना है ज्यादा आप एग्रेसिव इंडेक्स में ट्रेड मत कीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए और समीत के स्टॉक भी आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं सौदा, आपका निफ्टी अभी भी 10,500 के नजदीक ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स 150 अंकों की मजबूती हम देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी वाइब्रेंट आज के सेशन में, और एक स्टॉक अब जहां पर तेजी बनी है वो है कैपिटल फर्स्ट, और अब ये दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, एक सडन बाइंग 3% की मजबूती दिखा रहा है। समीत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं, इनफैक्ट मुझे याद है एंजल ब्रोकिंग के ओर से ही रिपोर्ट आई थी कैपिटल फर्स्ट पर बाय रेटिंग के साथ 850 के टारगेट्स के साथ। फर्स्ट पर टेक्निकल कमेंट्स क्या हैं आपके समीत, आपके रिसर्च हाउस ने तो बाय रेटिंग दी, कैसा लगता है आपको ये? देखिए रिसेंटली ये एक अच्छा खासा डिक्लाइन दिया था और कहीं ना कहीं लास्ट 670-680 के आसपास कंसिस्टेंटली बाइंग इंटरेस्ट देखा, तो एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये 670-680 के आसपास अच्छा खासा बेस बन गया। और आज हम एक टेक्निकल ब्रेकआउट देख, प्रीवियस हर्डल था अराउंड 710-715, उसके ऊपर ही अभी ये ट्रेड हो रहा है, और अभी अगर इंट्राडे वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखें बढ़ चुकी है, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स ये स्टॉक में ऐसा बन रहा है। नियर टर्म में ये स्टॉक 755 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो इसमें फ्रॉम करंट लेवल एनी डे गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। वही समीत आपकी ट्रेड है आज के लिए? देखिए आपको इंडेक्स स्पेसिफिक अगर देखना है तो आपको थोड़ा बहुत हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे मैंने बताया आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें डिश टीवी है, से कंसोलिडेशन के बाद कल इसने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्म किया है, थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक में पॉजिटिव ट्रैक्शन कंटिन्यू और ये स्टॉक 93 के लेवल टेस्ट कर सकता है, 81 का स्टॉप लॉस। और दूसरा बाय M&M में रहेगा, जो एक अच्छे खासे रैली के बाद लास्ट 2-3 वीक्स में एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरा है, और 2 दिनों में हमें कहीं ना कहीं उसमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक वापस उसकी जो है वो रिज्यूम कर सकता है, तो इसमें भी बाय की सलाह होगी 742 स्टॉप लॉस, 774 से लेकर 778 के टारगेट्स हैं। तो देश टीवी महिंद्रा ये दो ट्रेडिंग आइडियाज आए हैं समीत की ओर से, दोनों में ही है समीत। साथ ही थोड़ी देर पहले वरुण जब स्मॉल कैप स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे तो फर्टिलाइजर शेयर्स का भी उन्होंने जिक्र किया था, अच्छी तेजी के सेशन में बनी है, कोई भी स्टॉक आप उठा के देखिए, कोई पर्सपेक्टिव से ठीक लग रहा है क्या जिसको अभी भी खरीदा जा सकता हो? देखिए इनमें अच्छे खासी लिक्विडिटी वाला स्टॉक RCF रहेगा जो प्रेफर्ड पिक होगा विद इन द स्पेस। अगस्त के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा था, एक अच्छे खासे रनअप, वो कंसोलिडेशन से अभी ये बाहर आ रहा है, और इसमें यू नो जो आज के वॉल्यूम्स है उसके प्रीवियस एवरेज डेली वॉल्यूम से ऑलरेडी सरपास हो गए, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक में अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन हम देख रहे हैं जो कंटिन्यू हो सकता है। सो इसकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ 104-105 तक एटलीस्ट कंटिन्यू रहेगी, एटलीस्ट इन द नियर टर्म, उसके बाद इसके लेवल देख सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में बहुत सारे कैप स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो अच्छा मूव दे रहे हैं, एक बार एक फोटो को आप देखिए, अच्छी मजबूती स्टॉक में भी बनी है आज के सेशन, करीब अभी 8% ऊपर आ चुका है फोर्टिस हेल्थकेयर में, अच्छा आज के सत्र में दिन के ऊपरी स्तरों को अभी होल्ड करते हुए।